हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप जो कमेंट करते हैं उन पर मैं वीडियो जरूर लाता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। वर्ग एक के काफ़ी कट ऑफ जारी हो गए हैं और इस पर कल मैसेज भी आया और एक बहन ने मुझे ये भी कहा कि सर आप भी इस पर कुछ बताएं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं डर गए हैं या एक तरह से कहूँ कि वो डिप्रेशन में जाने वाले जो एक चांस होते हैं वो उनके बन गए हैं। क्योंकि इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी, यानी कि एक बहन ने मुझसे कहा कि सर इंग्लिश के एग्ज़ाम में यदि हम 75 नंबर लेके आए हैं, 80 नंबर लेके आए हैं, लेकिन अधिकांशतः जो कट ऑफ है वो 90 से शुरू हो रही है। कोई कहता है 80 नंबर तक जाएगी, कोई कहता है कि आपके तो 95 नंबर होना चाहिए तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो मन में एक डर उत्पन्न होता है जिससे कि हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ता है। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ वर्ग एक और वर्ग दो की कट ऑफ को लेकर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे इस चैनल पर आज तक मैंने शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई भी कट ऑफ क्यों नहीं डाली, और मैं बताने वाला हूँ कि कट ऑफ और मेरिट में क्या अंतर होता है। क्योंकि जो आपका रिजल्ट जारी होगा वो आपको मेरिट शो करेगा, आपको कट ऑफ शो नहीं करेगा, लेकिन जो MP ऑनलाइन पर लिस्ट डलेगी वो आपकी कट ऑफ से उठेगी। तो दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है तो जो भी कट ऑफ बताई जा रही है, क्योंकि हर एक चैनल अपने हिसाब से कट ऑफ जारी करता है और कट ऑफ के पीछे मकसद क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये जो वीडियो होते हैं उन पर काफ़ी व्यू आते हैं, हाई व्यू आते हैं, तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं ये भ्रमित न्यूज़ डालते हैं। मैं भ्रमित इसको इसलिए कहूँगा कि 2018 में जब भर्ती भी नहीं आई थी, जब पदों की संख्या भी मालूम नहीं थी, कट ऑफ उससे पहले आ गए थे। फिर ये था कि जैसे हम वर्ग दो की बात करें तो 5,670 पद टोटल लिखा हुआ था, किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं वो नहीं बताए गए थे, लेकिन कट ऑफ फिर भी आ गया था। और उसके बाद निरंतर ये कट ऑफ बदलते रहे, क्योंकि जितने भी कट ऑफ के वीडियो थे वो हाई व्यू ले जाते थे। दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अपना बेस्ट दें और फिर शांत मन से बैठ जाएं, जो भी होगा वो फिर आपके सामने आ ही जाएगा, तो इतना परेशान क्यों होना। वर्ग एक की जहाँ तक की कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे मैं उदाहरण दे दूं कि कट ऑफ और मेरिट में क्या अंतर होता है। मान लो कि 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो 100 नंबर तक जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर लेके आया है वो पहले नंबर पे, और जो सबसे कम नंबर लेकर आया है वो 100वें नंबर पे। ठीक है, एक उदाहरण के लिए। अब आपकी ये हो गई मेरिट, जो कि ESB के रिजल्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, आपको मेरिट कि आप जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उसमें आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपके अंक कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कट ऑफ क्या होती है। मान लो कि 100 लोग एक सब्जेक्ट में पास हैं लेकिन 50 वैकेंसी निकालनी है, तो भर्ती 50 लोगों की होनी है, बाकी के जो 50 हैं वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये आधा सत्य है। 50 लोग में से भी 25 जो है वो वेटिंग में रखेंगे, क्योंकि जो 50 लोग हैं जो कि सिलेक्टेड हुए हैं कट ऑफ के आधार पर, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएंगी। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते, कुछ ना कुछ विसंगति होती है जिसके चलते वो बाहर होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें उनके राज्य में ज्वाइनिंग मिल चुकी है, या बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वहाँ से जो भी 25% या फिर 50% जो भी उन्होंने रखा है वहाँ से फिर वेटिंग क्लियर होती है। तो अब हम वहीं वापस आ जाते हैं कि 100 लोग पास हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उनकी मेरिट बता दी गई है, फिर वहाँ से जो है सब्जेक्ट जारी किए गए हैं कि 50 सब्जेक्ट की भर्ती करनी है, 50 लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाते हैं, 50 लोग जो कि उस मेरिट में नहीं आ रहे हैं लेकिन वेटिंग में आ रहे हैं उनकी भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाते हैं, दोनों का ही वेरिफिकेशन होता है, चाहे आप मेरिट में हो यानी कि ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम हो, चाहे वेटिंग में हो। क्योंकि यदि वेटिंग क्लियर होती है तो फिर आपका आदेश ही जारी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बार फिर वो जो संस्था में जाते हैं, जैसे DO ऑफिस हो गया, जो भी कार्यालय हो गया, वहाँ पर वो एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। हालांकि आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और वहाँ से आपको क्लीन चिट मिल गई कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, तो आपकी ज्वाइनिंग होती ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बाकी के जो लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो कट ऑफ में नहीं आए, कट ऑफ बनती है आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें निकली हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पर एक फैक्ट और आप देखें कि बहुत से जो क्वेश्चन हैं वो डिलीट किए गए हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो बदल दिए गए हैं, तो आपके रिजल्ट पर उसका असर देखने को आपको मिलेगा। आपके नंबर बढ़ जाएंगे, हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, तो आप जो सोच कर चल रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, ठीक है, तो ये संभावना है। तो कट ऑफ को लेकर अपना डिप्रेशन में जाना, ये सोचना कि हमारे 80 नंबर आए हैं, हम 85 नंबर लेके आए हैं और अभी भी हमें डराया जा रहा है कि आपका नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ तो 90 पे आके रुक जाएगी, तो ये बिल्कुल भ्रमित न्यूज़ है, गलत बात है और इसको मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। कारण उसका एक ही था कि 2018-19 जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर वर्ग दो में, तो कट ऑफ के इतने वीडियो वायरल किए गए थे कि एक बहन थी उसने कट ऑफ देख देख कर ही डिप्रेशन में जाके गलत कदम उठा लिए। और उससे पहले मैं कट ऑफ का विरोध करता ही नहीं था क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं था, अपनी न्यूज़ डाली, अपडेट दिया और बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे वीडियो काफ़ी लाने पड़े कि आपके जो भी मार्कशीट जारी होगी, जो भी मेरिट होगी, उससे नहीं, आपके जो सब्जेक्ट है और उसमें कितने पद निकले हैं उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होनी है। और होता ये है कि एक बार जहाँ पर मेरिट गिर गई उससे फिर पीछे जाके अगले सेकंड काउंसलिंग में गिरती ही गिरती है, तो यहाँ पर वो लाभ मिल जाता है आपको। तो यदि आप अच्छे नंबर लेके आएँ तो इसके पीछे क्यों जा रहे हैं। और वहाँ पर ये हुआ कि कुछ अच्छे चैनल थे, उन्हें मेरी बात पसंद आई, उन्होंने कट ऑफ के वीडियो डिलीट करिए किए और फिर उन्होंने कभी भी कट ऑफ के वीडियो नहीं बनाए क्योंकि उन्हें ये लगा कि यदि किसी को भी हार्म हो रहा है, किसी को भी 1% नुकसान हो रहा है, कोई भी टेंशन में जा रहा है, तो वो चीज़ डालनी ही क्यों, और जबकि वो सत्य नहीं है। सत्य एक ही है कि जो आपकी MP ऑनलाइन मेरिट जारी करता है, जो कट ऑफ जारी करता है, वो सत्य है, बाकी की सब भ्रमित न्यूज है। फिर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मींस जिनके चैनल पे ये डली हुई थी वो लगातार डाल रहे थे, तो फिर कमेंट होते गए कि आपको सब्जेक्ट का ही पता नहीं है, कितने क्वेश्चन डिलेट हुए हैं, कितने के वो बदले गए हैं आंसर, उस हिसाब से फिर पूरा क्योंकि कैसे एग्ज़ाम दिए गए हैं वो सब कैलकुलेशन करके ही आप ये चीज़ तक पहुँच सकते हो, जबकि ये इतना कैलकुलेशन करना किसी के लिए संभव नहीं है, सिर्फ अटकलें ही लगाई जाती हैं। तो फिर एक और चीज़ मेरे ऊपर मतलब वीडियो बने कि अतुल सर जो हैं वो कट ऑफ के विषय में उन्हें जानकारी नहीं है इसलिए इसका विरोध करते हैं। तो फिर मैंने उन्हें एक ही चीज़ बताई कि कट ऑफ की जिन्हें जानकारी है आप सर्च करना, एक वीडियो, बहुत से वीडियो तो ऐसे मिल जाएंगे जो 150 में से जिन्हें रिजर्वेशन था उन्हें 75 नंबर लाने थे, लेकिन कहा यह गया कि 65 नंबर वालों को भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जबकि 75 नंबर से नीचे फेल माने जाते हैं। तो कट ऑफ तो यहाँ तक गई थी कि 65 नंबर वाले जो हैं उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, 2018 की भर्ती की बात कर रहा हूँ। तो क्या ऐसे लोगों को फुल जानकारी है, और एक ऐसा बड़ा चैनल जिसके काफ़ी सब्सक्राइबर थे उन्होंने ये कट ऑफ डाला था। तो कट ऑफ डालना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी डाल दो, हर एक वीडियो चलेगा ही चलेगा, हर एक वीडियो वायरल होगा ही होगा कट ऑफ का। वर्ग एक का डाल दो, अभी वर्ग दो की भर्तियाँ नहीं आई, नोटिफिकेशन भी नहीं आया भर्ती परीक्षा का, लेकिन उसका भी आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। आप यदि सर्च करोगे तो किसी ने बना ही दिया होगा। तो ये है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक ही कहूँगा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनका BP हाई हो रहा है, अच्छे नंबर लेने के बाद भी मन में ये उदासी छाई हुई है कि हमारा तो होना नहीं है, अपने आप पर विश्वास रखें। दूसरा ये है कि जो भी कट ऑफ बनाते हैं वो सिर्फ कट ऑफ ही बनाते हैं, चैनल ही चलाते हैं, वो आपकी तरह कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है। सिर्फ ये है कि उन्हें कहाँ से लाभ लेना है वहाँ तक उनकी सोच चलती है और उसी सोच का परिणाम होता है ये कट ऑफ, ठीक है। अपनी बात सही बताने के लिए लोग बहस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और जब भी आपकी नियुक्ति होती है उसके बाद जितने भी कट ऑफ वाले हैं वो अपने चैनल पर वीडियो डालना छोड़ देती हैं, मींस अपनी कट ऑफ के विषय में फिर वो बात नहीं करते हैं, और एक ही चैनल पर आपको 10 तरह की कट ऑफ मिल जाएगी, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। आप समझदार हो, आप समझते हो इस बात को, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने यदि 75 नंबर या 80 नंबर या 85 नंबर लेकर आए हो तो आपकी योग्यता बहुत हाई है। सब जो चैनल हैं, जितने भी चैनल हैं, उनमें जो भी ऑनर हैं उनकी जो समझ है उनसे कहीं ज़्यादा समझ आपकी विकसित है, क्योंकि यदि उनकी समझ हाई होती तो आज वो शिक्षक बने होते, वो मेरिट में आ रहे होते,
वो किसी न किसी स्कूल में सिलेक्शन उनका हो गया होता। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि मेरे बहुत से सहयोगी चैनल्स हैं जिनके जो ऑनर हैं वो अभी आपके 2018 और वर्ग दो और 2020 वर्ग तीन उनमें सिलेक्टेड हुए हैं और अभी उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। और ऐसे चैनल्स वालों ने कभी भी कट ऑफ नहीं डाली, ये भी अपने आप में फैक्ट है, क्योंकि वो इस सच्चाई को जानते थे कि कट ऑफ डालना एक तो लोगों को भ्रमित करना है, सिर्फ चैनल का फ़ायदा होता है, लोगों का उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे जिसने कहा था कि 150 में से जो एक भाई ने कहा था कि सर उन्होंने कहा कि 65 नंबर वालों की भी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, कट ऑफ वहाँ तक जा सकती है, ठीक है, जबकि 75 से नीचे फेल माने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि सर फिर हमारा ज्वाइनिंग आदेश कहाँ से निकलेगा, मतलब कि जिन सर ने 65 नंबर पे आपकी कट ऑफ डाली है वही ज्वाइनिंग आदेश भी निकालेंगे, चिंता ना करें। तो ये हो जाता है। तो इतनी ऐसी बातें हैं कि मैं इस पर वीडियो ही बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। हालांकि मेरा आज का उद्देश्य एक ही है कि आपको मोटिवेट रख सकूँ, ये बात कर सकूँ कि आपने अपना बेस्ट दे दिया है, बस अब आपसे परीक्षा परिणाम का इंतज़ार करें। उसके बाद आपको आपकी मेरिट का पता चलेगा। एमपी ऑनलाइन जैसे ही सिलेक्टेड कैंडिडेटों की लिस्ट डालेगी जिसमें वेटिंग और सिलेक्शन लिस्ट दोनों ही होंगी, वहाँ से आपका काम शुरू होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। ठीक है, तब तक शांत रहो, कोई डिप्रेशन में नहीं जाना है। 75 नंबर 100 में से लाए हो बहुत बड़ी बात है, 80 नंबर लेके आए हो बहुत बड़ी बात है, 85 लेके आए हो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम गया है, टफ गया है, उसमें इतने नंबर लाना, उसके बाद फिर ये कहना कि हमारा होगा कि नहीं होगा, एक अपने आप में कहूँ कि ठीक नहीं है। जब आपने इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं तो इतना मान के चलें दोस्तों कि आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। कहाँ तक लिस्ट गिरेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई भी गलत मन में धारणा ना लाएं। और मैं ये भी कहूँगा कि यदि बाई चांस आप नहीं भी आते हो तो वर्ग दो है आपके पास, एक चांस और है, वर्ग दो की तैयारी जारी रखें। इन चीज़ों में वीडियो देखते रहना है, एक वीडियो से दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो, चौथे वीडियो, दिन भर कट ऑफ के वीडियो देखना, इससे कुछ भी नहीं होना, सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर हाई होना है, आपको रात में नींद नहीं आएगी, आप एक अनजाने से डर से ग्रसित हो जाओगे, ना आपको भूख लगनी ना प्यास लगनी, बस उसी में उलझ के रह जाओगे। तो ये कोई लाइफ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा जो चैनल है उस पर मैं इसलिए कट ऑफ नहीं लाने को, तो मैं भी ला सकता हूँ, कुछ भी बता दो कट ऑफ में, आपके वीडियो हाई जाते ही हैं। मेरिट और कट ऑफ में आप अंतर समझ गए होंगे दोस्तों। और मैं फिर से अपील करूँगा कि आपके आसपास भी जितने भी ग्रुप हों जिनमें आप जुड़े हों उनमें ये मैसेज ज़रूर भेजें कि जो भी कट ऑफ बता रहा है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तब वो ये चीज़ बता रहा है। यदि उसमें खुद कुछ गुण होते तो वो आपको नियम समझाता, पद वृद्धि की बात करता, या फिर मैं कहूँ कि पढ़ाई के वीडियो लाता। ये कट ऑफ के वीडियो वही लाते हैं जिनके पास से खुद की कोई योग्यता नहीं होती, क्योंकि कट ऑफ में कुछ भी डालो, कुछ भी लिखो, लोग सही मान लेते हैं जो कि यूट्यूब का खेल नहीं जानते हैं उनके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, कोई भी डिमोटिवेटेड ना हो, आपने अपना बेस्ट दिया है, फिर से कहूँगा आपने अपना बेस्ट दे दिया है, अब थोड़ा सा इंतज़ार करें और वर्ग दो वाले भी अपनी तैयारी जारी रखें, कोई भी कट ऑफ के पीछे ना भागें, क्योंकि ये पूरी भ्रमित करने वाली न्यूज़ें होती हैं जिनका मैं खंडन करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से